Brought to you by Techno Camon 30 series. अब हम आगे बढ़ते हैं आरा सीट को लेकर के। आरा से जो है उस माले के उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ बीजेपी से आरके सिन्हा जो है वो उम्मीदवार, आरके सिंह जो है वो उम्मीदवार है। क्या लगता है आरा सीट पर कौन बाजी मारेगा? देखिए, आरके सिंह की अलग छवि है। आरके सिंह पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं और उनकी एक छवि अधिकारी की रही है। वो काम कराते हैं, वो भी जनता से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन जनता कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा नाराज नहीं दिखी। इस मायने में नहीं दिखी कि आदमी जो है किसी को मतलब बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, काम से काम रखते हैं, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं दिखाना है उनको। लेकिन काम के प्रति आप देखेंगे कि रोडों का जो विस्तार हुआ है, सड़कों का, वो काफ़ी आराम है। मुझे लगता है कि आरा जाने में पहले जितना कठिन हुआ करता था, उतना ही अब आसान हो गया है। तो निश्चित तौर पर आरके सिंह जो है, हालांकि वहाँ पर माले से मुकाबला है उनका, माले का की जबरदस्त पकड़ है भोजपुर में। एक ज़माने में माले के ही उम्मीदवार वहाँ से जीता करते थे और पहली बार ये जो है मुकाबला माले से इस प्रकार से, हालांकि पिछली बार भी माले को हराया था उन्होंने, इस बार भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लीड मिल सकती है। आरा सीट से बीजेपी को लीड मिल सकती है और वहां से फिलहाल बढ़त मिलती जो है वो आरके सिंह को दिख रही है। आरके सिंह वहां से चुनाव जीत सकते हैं, उनको बढ़त दिख रही है।